हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव साड़ा की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर के अगले 3 घंटों की फीलिंग्स, वो क्या कुछ सोचेंगे आपके लिए, अगले 3 घंटे क्या महसूस करेंगे, देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, तीता पिता ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की अगले 3 घंटों की फीलिंग्स क्या रहेगी आपके लिए, टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पे। सोर्स, पोस्टपोनमेंट, न्यू विजन, अवेयरनेस। आपके पार्टनर स्ट्रांगली एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषीन, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 5, 4, 20, 6, 7, 11, 17, 19 और है यहाँ पे 2। आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट में हो सकता है, नंबर 9 भी है यहाँ पे। आपके पार्टनर अगले 3 घंटे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में रहने वाले, नेगेटिविटी में रहने वाले, रोने वाले हैं, परेशान रहने वाले हैं, बहुत तकलीफ होने वाली, किसी से झगड़ा हो सकता है। और चांसेस बनती कि अगर ये घर में रहेंगे तो घर में किसी के साथ गलत सलत बातें होने वाली है, मारपीट भी हो सकती है। इनकी ज़िंदगी में करंट में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और जो कि इसी वजह से ये डिप्रेस बहुत ज़्यादा है, और जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। इनको इस तरह से फील होता है कि मेरी ज़िंदगी में ये जो भी नेगेटिविटी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो गलत किया था, इन्होंने ब्रेक थ्रू दिया था, आपको दरार दी थी, आपके इस रिलेशनशिप में आपका दिल तोड़ दिया था, जैसे कि मतलब कि नहीं सोचा था उन्होंने कुछ भी आपके बारे में उस टाइम पे। तो जो ब्रेक थ्रू दिया है, इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में सैड एनर्जीज है। तो मुझे नहीं चाहिए ये सैड एनर्जीज, मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, ये रास्ता तलाश रहे हैं। अगले 3 घंटे ओवर थिंकिंग करेंगे आपको लेके, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा हैंग्ड हो जाएगा, कुछ भी मतलब समझ में नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ इससे बात करने के लिए, इसको जैसे कि ये मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती है। ये इसी तरह से सोचेंगे कि आप इनकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हो, ये तो इंटरेस्टेड है करंट में इस रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आप इनको कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे हो, ये नोटिस करेंगे बहुत ज़्यादा, जो कि परेशानी इनको बहुत ज़्यादा होगी, सरदर्द बहुत ज़्यादा होगा। टोटलिटी का कार्ड यही शो करता है कि इनको इस रिलेशनशिप में कंप्लीशन चाहिए, रीयूनियन चाहिए, लेकिन साइलेंस मेंटेन करके रखेंगे। इनकी तरफ से आप कुछ कॉल मैसेज नहीं देख पाओगे क्योंकि ये ओवर थिंकिंग की वजह से इतने परेशान रहेंगे, और ये अपनी ही गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आखिर इनसे क्या गलती हुई है, जो कि आज भी इनको अपनी गलती रियलाइज़ नहीं हो रही है। ये सिर्फ और सिर्फ सोच रहे हैं क्या इन्होंने किया था, और जो कि क्यों गलत, मतलब आपको ये गलत क्यों लग रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने मर्ज़ी से, मतलब ऐसे कोई लव मैरिज नहीं करी थी, इन्होंने अपने घर वालों की मर्ज़ी से उनके लिए किसी से शादी करी थी, और जो कि प्यार आपसे था। शायद इन्होंने आपको पहले बोला भी होगा कि हम दोनों में इतने डिफरेंसेस हैं, और जो कि मेरी मम्मी ऐसी, मेरे पापा वैसे, शायद वो कभी नहीं मानेंगे हमारे जैसे के रिश्ते के लिए, तो क्या फिर भी तू मतलब मेरे साथ इस रिश्ते में आना चाहेगी, क्या हमें एक दूसरे के साथ ऐसे रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए, इस रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करना चाहिए। ऐसी बातें इन्होंने आपको पहले बहुत समझाई होगी, लेकिन आपको जैसे कि इनसे इतना प्यार था कि आपने उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, आपने इनके ऊपर जैसे कि आग बंद करके भरोसा किया था, और आपका वही भरोसा इन्होंने तोड़ के ज़िंदगी से भाग गए थे। न्यू विजन का कार्ड है, अगले 3 घंटे ओवर थिंकिंग करेंगे, इस रिलेशनशिप में रास्ता ढूंढेंगे, और जो कि इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी गलत हुआ है उसमें इनकी कुछ गलती थी ही नहीं, ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि इनकी गलती थी, इनको लगता है कि मेरी गलती नहीं थी, और जो कि इन्हीं का फ़ायदा उठाया गया है, इन्हीं को जैसे कि उल्लू बनाया गया है, पागल बनाया गया है, और जैसे कि इनको आपके पास आने से ज़बरदस्ती से रोका गया है। इनको इस तरह से इनको ना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज फील होगी। अवेयरनेस का कार्ड है यहाँ पे, हो सकता है कि ये बीमार भी हो, अभी अभी जैसे कि डॉक्टर के पास जाके आए हो, जैसे कि बैठे बैठे सोच रहे किसी कमरे में कि काश मतलब एनर्जी होती आपका, कैसे आप सिर्फ इनसे नॉर्मली बात भी करते थे ना,
फिर भी इनको खाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी। मोटिवेशन, दिन भर मोटिवेशन फील होता था। आपकी बातें, आपकी आवाज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगले 3 घंटे आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे सुनने की। अगर इनके पास कुछ ऑडियो अगर आपका रहेगा, कुछ कॉल रिकॉर्ड करके, तो वो बातें वो सुनेंगे आपसे कि आप किस तरह से बातें कर देते। अगले 3 घंटे आपकी चैटिंग पड़ी जाएगी, स्टॉकिंग एनर्जी ज़्यादा रहेगी। चैटिंग मतलब कि चैटिंग पढ़ते पढ़ते याद करेंगे कि उस टाइम पे आप किस तरह से मतलब सोचते थे, कैसे दिखते थे, वो बातें इनके माइंड में घूमेगी। अवेयरनेस, या अवेयर होना चाहते हैं, बचना चाहते हैं कि जो अभी करंट में नेगेटिविटी इनको फील हो रही है, ये नेगेटिविटी मुझे नहीं चाहिए। अगर तुझसे बात करके ही मुझे अच्छा लगता है, अगर तुझसे बात करके ही अगर मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ, तो क्यों ना हम दोस्ती कर लें। अगर तू नहीं मुझे स्वीकार कर पा रही है, अगर तू मुझे नहीं माफ़ कर पा रही है, और जो कि तेरे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ दोस्ती तो कर ले मुझसे। लेकिन आपका नहीं, आप जो कि साइलेंस रहोगे, आप इनसे बात भी नहीं करोगे। अगर इनकी तरफ से आपको ऐसा कुछ कॉल मैसेज आ जाता है जिससे कि आपको इनकी तरफ से वही पहले वाली एनर्जीज फील होती है, जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ रहना, माफ़ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सकता, प्लीज़ हम दोस्ती करते हैं, हम जैसे कि एज अ फ्रेंड रह लेते हैं, ऐसे कुछ ये बात करेंगे ना, तो आप देखोगे भी नहीं इनके कॉल मैसेज को, शायद आपकी तरफ से रिप्लाई भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको ना तो अब इनके ऊपर दया आती है और कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ अपने आप के ऊपर ही दया आने लगी अब कि आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया। लेकिन इसका कारण है, आप अगले 3 घंटे बहुत ज़्यादा सोचेंगे, जैसे कि मैंने बोला एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, और दिमाग में थॉट आएगा कि फ्रेंडशिप का ऑफर करें, फिर ऐसा सोचेंगे कि फ़ायदा क्या है, अगर आपसे बात भी करते और टाइप भी करते फ्रेंडशिप, तो आप तो मानने वाले नहीं हो, क्योंकि जहाँ पे प्यार होता है, एक बार आपने प्यार कर लिया, अच्छे से टाइम स्पेंड कर लिया, उसके बाद कभी दोस्ती हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मैं क्यों तुझसे बात करूँ? मुझे पता है कि मेरे बात करने से तू ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि मेरे सिर्फ बात करने से, तेरी ज़िंदगी में सिर्फ एंट्री करने से भी तेरा ये नेगेटिविटी चली जाएगी, मुझे सब पता है। मैं क्यों करूँ? तूने मेरे लिए क्या किया है? आपकी इस तरह से एनर्जीज रहेगी, और ये एनर्जीज इनको अच्छे से फील होती है। इस तरह से सोचेंगे आपके पार्टनर अगले 3 घंटे, ठीक है? तो इनकी तरफ से अगले 3 घंटे तो कॉल मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि ये लेजीनेस का कार्ड यही शो करता है। आएंगे लेकिन प्लानिंग करेंगे कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, इस तरह के एनर्जीज, ठीक है? तो हम देखते हैं इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं, थ्रू मैसेज द यूनिवर्स, ये इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते हैं, ये इस वक्त इनसे क्या बात करना चाहते हैं, इस वक्त ये इनसे क्या बात करना चाहते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं, ट्रैवलिंग का कार्ड है यहाँ पे, हो सकता है कि ट्रैवलिंग में कहीं पे गए हैं, ठीक है? ये आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बहुत मतलब अनकंफर्टेबल है, आपके बिना बात नहीं कर पा रहे, इस वजह से बहुत परेशान है, लेकिन इनको आपकी जो एनर्जीज फील हो रही है, जो कि नेगेटिविटी आपकी तरफ से, इसी वजह से इन्होंने अपने आप को रोक कर रखा है, पेशेंस बनाए रखे है, जैसे कि सब्र कर रहे हैं और सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये कहीं आउट ऑफ कंट्री रहते हो तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे, आपके पास आने के प्लानिंग इनके चल रहे हैं, शायद इस तरह से सोच रहे हैं कि कॉल मैसेज करने से बेटर है कि डायरेक्टली ट्रैवल करके जाता हूँ, डायरेक्टली फेस टू फेस मिल लेता हूँ। तो कंट्रोल ज़बरदस्ती से कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, जो कि हो नहीं पा रहा है, ये इस तरह यही आपको बताना चाहते हैं। करंट में आपका ट्रस्ट खोया है जो जीतना है, और जो कि आपको बताना चाहते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है जो इन्होंने आपके साथ गलत किया था उस बात का। ये 24/7 आपके बारे में ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आपको कभी भी नहीं भुला पाते, इनको गिल्ट है इस बात का जो इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है? जो आपको ब्रेक थ्रू दिया था, ये आपको करंट में यही बताना चाहते हैं। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।